जब बंदा शोबेस के अंदर होता है तो शोबेस के अंदर जब आप डांस कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ एक्टर नहीं हो बल्कि आप मॉडल हो, चूँकि एक नाम दिया जाता है मॉडल का जो शोबेस की फील्ड है। उसमें मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था वो कवि खान साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग की फील्ड में, तो उनके साथ मैंने 15 मिनट का एक ड्रामा था उसमें परफॉर्म किया था। जैसे इमानुल्लाह साहब एक बहुत बड़ा नाम है, नसीम विकी है, और जवाद वसीम साहब तो खैर उन्होंने खैरबाद कह दिया था स्टेज की फील्ड को जिस टाइम मैं आया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ चैनल से मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसुम अजमल। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं उस्मान बेग साहब के साथ। उस्मान बेग, जिनका पहले शोबिस से ताल्लुक था, लेकिन किन वजूहात की वजह से इन्होंने शोबिस को छोड़ा और दीन की तरफ मुतवज्जा हुए, करते हैं इनसे गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान बेग साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले हम आपको अपने टाइम न्यूज़ चैनल में खुशामदीद कहते हैं। जज़ाकअल्लाह जी, आप लोग ऑफिस आए और बहुत प्यारी और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की एफर्ट है कि आप लोगों ने इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करने की कोशिश की, तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस्मान बेग साहब, हमारे नाज़रीन को अपने लाइफ के बैकग्राउंड की थोड़ी हिस्ट्री बताएं, थोड़ा बैकग्राउंड बताएं। असल में कुछ लाइफ, आजकल आपको पता है कि हर नौजवान की जो ज़िंदगी है वो कुछ इसी तरह की हुई भी है। ये सिर्फ शोबिज़ वालों का इस तरह की लाइफ को गुजारना नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी दुनिया के अंदर नौजवान है या और लोग हैं, उनकी भी लाइफ कुछ इसी तरह गुजर रही है। उसके पीछे बड़ी वजह उनकी सही तरबियत और उनको सही तालीम ना देने की वजूहात की वजह से लोग दीन से दूर हो रहे हैं। हालांकि हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि मैं दीन पे चलूं, हर नौजवान चाहता है कि मैं अल्लाह के हुक्मों को मानूं और एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत ज़िंदगी है उसको ना कि सिर्फ रमज़ान में अख्तियार करूं बल्कि आम रूटीन के अंदर भी उसको अख्तियार करूं। तो जो आज से पहले मेरी ज़िंदगी थी वो भी इसी तरह थी जैसे आज एक नौजवान जो है वो, उसको नहीं पता कि उसने किस मंजिल पर जाना है, उसने क्या करना है, उसकी लाइफ की अचीवमेंट्स क्या हैं। मेरी जो लाइफ की अचीवमेंट्स जो मैंने देखी, जो मैंने सुनी, वो हमेशा से यही देखा कि ज़्यादा कमाना और नाम अच्छा बनाना और जो है वो हर इंसान से मुनफरिद नज़र आने की एक जस्तजू जो हमें और जो इलम हमें दिया जा रहा है उसी की बुनियाद पर मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ शुरू किया। और बचपन से, स्कूल के ज़माने से मैं डिफरेंट टैबलोज़ के अंदर और डिफरेंट स्टोरीज़, ड्रामा स्टोरीज़ हम परफॉर्म किया करते थे बचपन के अंदर, तो हर बंदा ही चूँकि करता है। लेकिन चूँकि ये चीज़ कभी मुझे घर वालों ने मना नहीं की बल्कि उनकी इनक्रेजमेंट की बुनियाद पर वो इन चीज़ों को अक्सर सराहते भी थे। मेरी वालदा, उनका शौक़ था कि स्कूल लाइफ पे मैं ये करूँ, लेकिन आगे जब कॉलेज लाइफ की तरफ मैं गया तो उसमें मेरी अपनी मर्ज़ी शामिल थी। उसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं लेकिन मेन वजह ये थी कि चूँकि आज आपको पता है कि ना ही माँ बाप को पता है कि किस रास्ते पे चलाना है और ना ही चलने वाले को पता है मैंने जाना कहाँ पर है, तो उसके पीछे बुनियादी वजह ये है। तो एक ज़माना था कॉलेज का जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स किए, डांस के किए और ड्रामा भी किए, कॉन्सर्ट्स के अंदर हमारी स्टार्ट में और एंड में और सेंटर में हमारी डिफरेंट परफॉर्मेंसेज होती थी डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर भी हैं, आतिफ असलम है, उसके अलावा एनी है, उसके अलावा बहुत सारे न्यू जनरेशन के अंदर उस टाइम आने वाले सिंगर थे जिनके साथ काम कर रहे थे। तो वक्तन फवक्तन बहुत सारे स्टेजेस पे काम किया, यूनिवर्सिटीज़ के स्टेजेस पे भी काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ इवेंट्स होते थे उनको हम कवर करते थे। इवन के खाली मेरा काम परफॉर्म करना नहीं था बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर मेरा इन्वॉल्व होता था मैं। आप यूँ समझ लें कि कोई कॉन्सर्ट करवाना है उसकी अरेंजमेंट में साथ होते थे, बैक स्टेज भी होते थे। बैक स्टेज तो बाद में आए लेकिन मेरा शौक़ चूँकि स्टेज पे काम करने का था। और मैंने स्टार्ट लिया वो डांस से लिया, खुद करता भी था और जो मेरे स्टूडेंट थे, जो मेरे कोलीग्स थे, उनके साथ मैं उनको सिखाता भी था। तो कुछ इस तरह की लाइफ जा रही थी। आप कोरियोग्राफ करते थे? जी बिल्कुल, कोरियोग्राफ मैंने प्रोफेशनल फील्ड में आने के 1.5 साल बाद स्टार्ट किया था, क्योंकि ऐसा इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है और वो भी लोग बताते हैं जब उसको सराहते हैं उसकी मेहनत को,
तो तब पता चलता है कि आपके अंदर क्या सलाहियत है, क्योंकि खुद इंसान तो अपना आईना नहीं होता, दूसरा इंसान जो दूसरे का आईना होता कोरियोग्राफी के अलावा आप मॉडलिंग भी कर चुके हैं। है जी। क्योंकि जब बंदा शोबिज़ के अंदर होता है तो शोबिज़ के अंदर जब आप डांस कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ एक्टर नहीं हो बल्कि आप मॉडल हो, चूँकि एक नाम दिया जाता है मॉडल का। तो लेकिन मॉडलिंग भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म की होती हैं, एक कमर्शियल मॉडलिंग है और एक रैम्प मॉडलिंग है जो मेन मॉडलिंग जहाँ से आई है, उसके अलावा ड्रामा मॉडलिंग है, एक्टिंग मॉडलिंग है, ये सारी मॉडलिंग की फील्ड्स हैं। कमर्शियल मॉडलिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वक्तन फ़वक्तन काम करता रहा हूँ, लेकिन जो मैंने स्टार्ट लिया था वो डांस की फील्ड से लिया था। ये तो आपने अपना बैकग्राउंड अपनी स्टडीज़ के हवाले से कुछ बताएं कि आपकी स्टडी क्वालिफिकेशंस कहाँ तक हैं। जी मैंने ग्रेजुएशन की है, स्कूलिंग मेरी कैथीड्रल स्कूल से हुई लाहौर से, और मैंने बीकॉम किया पंजाब कॉलेज से। तो पंजाब कॉलेज के तकरीबन मैंने 40 to 45 इवेंट्स जो हैं वो कवर किए थे, जिसमें आपको बताया कि ड्रामा और ये कॉन्सर्ट्स परफॉर्मेंस होती थी। तो सारा साल तो मैं खैर पढ़ता नहीं था, मैं तो मोस्टली इन्हीं रिहर्सल्स के अंदर लगा रहता था और ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ जुड़ा रहता था, बस वो चिटिंग करके और वो दोस्तों के साथ जो है वो बूटी मार के और क्या उसको हम बोलते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी उस वक्त आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में कितनी ज़्यादा होती हैं। तो ज़हनी तौर पे मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस एतबार से कि चीज़ मुझे याद हो जाती थी, लेकिन ये था कि चूँकि दिल जिसमें हो इंसान उसी को एफर्ट से करता है, तो मेरा दिल था एक्टिंग के अंदर, मॉडलिंग के अंदर। तो स्कूल कॉलेज के ज़माने में घर वालों से छुप छुप के भी जाता रहा हूँ, शुरू में जब उनको जाहिर हो गया तो फिर बताना पड़ा, लेकिन कॉलेज के ज़माने में ही जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था इन चीज़ों में। ये तो आपने बताया कि आपका कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ से ही इस चीज़ की तरफ रुझान था। शोबिज़ में आपने किस तरह से अपना पहला कदम जमाया? ओबियसली आपको पता है कि जब भी कोई एक्टर या मॉडल मीडिया की फील्ड में आता है, शोबिज़ में आता है, तो उसका स्टार्ट कहीं ना कहीं से होता है। वो डायरेक्ट जो है वो शोबिज़ में नहीं आता, स्कूल से होता है या फिर उसका कॉलेज से होता है, या फिर अगर इन दोनों चीज़ों में से कहीं ना हो तो उनका फैमिली से होता है कि फैमिली के अंदर डांस करना मामूली तौर पे जैसे शौकिया लोग करते हैं, तो फैमिली में भी अगर आपको कोई सराहा दे, आपको आपको बोल दे कि आपने बड़ा अच्छा किया, आप में टैलेंट है, तो वो सिर्फ सराहने की देर होती है, तो वो जो है वो उस तरफ माइल हो जाता है। तो मैंने जो स्टार्ट लिया वो इन जगहों से लिया, और जो शोबिज़ की फील्ड है उसमें मैंने जो पहला प्रोग्राम किया था वो कवि खान साहब, पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है एक्टिंग की फील्ड में, तो उनके साथ मैंने 15 मिनट का एक ड्रामा था उसमें परफॉर्म किया था, एक एज अ स्टूडेंट के रोल पे। आपने थिएटर्स वगैरह भी किए हैं? जी थिएटर, चूंकि आपको पता है कि हर दौर से गुजरना पड़ता है शोबिज़ की फील्ड में, थिएटर भी करते हैं और टीवी भी करते हैं, मॉडलिंग जो स्टेज है सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कई अरसे तक तो मैं अपने अंकल थे मेरे, वो मुझे जब्बार अंकल थे जो उनका नाम था, वो खुद काफ़ी काम करते रहे मीडिया में, अभी भी कर रहे हैं, इस्लामिक कंटेंट पे भी करते रहे हैं, और एज अ राइटर भी उन्होंने काम किया है। उनकी दो तीन टेली फिल्म में मैंने काम किया था, और उन्हीं के इनक्रेज करने पे मैं स्टेज तक गया। स्टेज पे जाने का मेरा जो मकसद था वो एक्टिंग सीखना था, और उसके साथ साथ जो है वो अपनी लैंग्वेज को दुरुस्त करना था, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में उर्दू इतनी ज़्यादा शामिल नहीं थी, और उसके साथ साथ उर्दू के साथ साथ भी पंजाबी, आपको पता है स्टेज पे हमारी पंजाबी एक्सेंट चलता है, तो पंजाबी एक्सेंट मेरा नहीं हो पा रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने दो प्रोग्राम किए थे, दो ड्रामा किए थे। एक का नाम था मुंडा चढ़िया जवानी, जिसमें मेरे साथ कृष्णा नाम की आर्टिस्ट मौजूद थी, और उसके साथ साथ फिर और बड़े नाम थे ये पाकिस्तान स्टेज अदाकारों में से, तो उनके साथ भी परफॉर्म किया, उनके साथ एज अ साइड डांसर भी परफॉर्म किया, और फिर एक टाइम आया कि उनके साथ जो है वो फ्रंट पे भी आकर जो है उनके साथ परफॉर्म करने को वक्त टाइम मिला। शोबिज़ के आपने किन किन मशहूर अदाकारों के साथ काम किया, उनके हवाले से हमें हमारी नाज़रीन को बताएं। शोबिज़ में आपको पता है कि डिफरेंट एक्टर्स के साथ, डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ काम करने को मौका मिलता है, उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो जैसे कि मैंने आपको बताया आतिफ असलम, कवि खान साहब, और सिंगर एक दो हैं हमारे नए आए थे उस टाइम, नबील, और आगे फिर स्टेज पे नरगिस, और उसके उनके साथ साथ बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिनको हम देखकर उनसे सीखते थे,
जैसे अमानुल्लाह साहब एक बहुत बड़ा नाम है, नसीम विकी है, और जवाद वसीम साहब तो खैर उन्होंने खैरबाद कह दिया था स्टेज की फील्ड को जिस टाइम मैं आया था, तो उनको हमने देखा कि वो लोगों को उनके ऊपर भी वहाँ पर एक दीन की मेहनत कर रहे होते थे, लेकिन जिनसे हमने काम सीखा उसमें ये नाम शामिल हैं, जैसे नरगिस का नाम लिया और ये नसीम विकी का नाम लिया, तो ये वो नाम है जिनके साथ परफॉर्म भी किया और इनके साथ इनसे सीखा भी हमने। ये तो आपने अपना सारा शोबिज़ का करियर बताया, ऐसी आपकी लाइफ में कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने इस चीज़ के ऊपर स्टेप इन किया? जी, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि ये अल्लाह की तरफ से चुनाव होता है, जितने भी मुसलमान हैं ये सब अल्लाह की तरफ से चुने हुए हैं, और बस दीन के अंदर दर्जात होते हैं, जो ईमान वाला है जिसने कलमा पढ़ा है वो भी दीन पर है, और जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो असल बेदीन है। मुसलमानों के अंदर दर्जात हैं। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताता चलूँ कि मुझे ये मेरे दूसरे कहते हैं, बड़े कहते हैं, जो शोबिज़ में मैं जिनके साथ काम कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे अंकल थे वो राइटर भी थे और फिल्म अदाकार भी थे, तो वो मुझे बताते हैं कि जब तुम उस वक़्त काम करते थे तो उस वक्त भी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक दीन पे चलने की का एक एक जज्बा था। तो मुझे तो खैर नहीं याद, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक ड्रामे की एक ड्रामा हम कर रहे थे, जहांगीर का मकबरा कैसे बना, तो उसके साथ मेरी पूरी टीम थी और वो रमज़ान के अंदर उसका शूट था, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस शूट के अंदर सिर्फ मेरा रोज़ा था और किसी का भी रोज़ा नहीं था, और इवन के मुसलसल धूप के अंदर जो है वो हम एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन मैंने रोज़ा नहीं तोड़ा, तो मुझे लगता है कि उस वक़्त भी मेरे अंदर थोड़ा सा जज्बा था दीन पे चलने का, शायद उस बुनियाद पे अल्लाह ने मुझे इस रास्ते में कबूल किया। उसकी वजह क्या बनी दीन की तरफ आने की, वो ये कि चूंकि आपको पता रमज़ान के अंदर ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो उसके अंदर मेरी वालदा ने मुझे दावत दी कि आप मस्जिद में तकाफ में बैठ जाओ, वो भी इस वजह से कि घर में बहुत सारे ऐसे इशूज़ चल रहे थे मेरे इस काम को लेकर और मेरी एक्टिविटीज़ को लेकर, कि जो ऐसे थे इस पीक तक पहुंच चुके थे कि मैं घर छोड़ने पर मजबूर हो चुका था सिर्फ इस बात पे कि वो मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे। तो आपको पता है कि नौजवान की जब बात ना मानी जाए तो वो फिर किस लेवल पे चला जाता है, तो एक वक्त मेरे ऊपर ऐसा आया कि मैंने समझा कि अगर मैं अपने आप को आगे लेके जाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे घर को छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने ये कदम उठाया और मैं घर से बाहर चला गया। एक रात मेरी घर से बाहर गुजरी, उसमें एक कुछ ऐसे भी इंसिडेंट हुए कि खुदकशी की तरफ भी माइल होने की कोशिश की, लेकिन चूंकि घर वालों की इज्जत भी सामने थी तो उसको सोचकर और वालदा की जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत के अंदर भी आकर मैंने वो कदम नहीं उठाया, बल्कि सारी रात मैं रोता रहा और दुआएं अल्लाह से ही करता रहा कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंचा रहा। तो मुझे लगता है कि शायद उस वजह से भी, क्योंकि वो मैंने दीन के अपनी ज़िंदगी में दीन आने लाने के लिए दुआ नहीं की थी, बल्कि मैंने वो जो दुआएं की थी वो इसलिए की थी कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं सुकून आ रहा और मुझे जो है वो क्यों नहीं वो चीज़ मिल पा रही जिस पर मैं जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त शायद अच्छे पैसे कमा रहा होता, बहुत ज़्यादा पैसे एकदम कमाने लग जाता, तो मुमकिन है कि घर वालों का ही ना, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि आप चाहे ज़्यादा पैसे भी कमा लेते या आपको रातों को नींद भी सही तरह आ जाए, लेकिन बेसकूनी का एलिमेंट है वो कभी भी आपकी ज़िंदगी में फिल नहीं हो सकता जब तक दीन पे नहीं चल रहे। तो फिर भाई जो है वो मुझे रात को घर वापस ले गया, और फिर आगे एक हफ़्ते बाद रमज़ान आ गया, वालदा ने मुझे कहा कि आप मस्जिद में इतकाफ में बैठ जाओ, बस फिर मैं ख़ानदान वालों को ज़रा दिखाने के लिए और एक वैसी कहीं ना कहीं ये था कि मैं सुकून के लिए मस्जिद में इतकाफ़ में बैठ जाऊँ, वहाँ बैठना हुआ। वहाँ पर एक नौजवान से मुलाकात हुई तो उसने मुझे दीन की दावत दी। दीन की बातें अक्सर और भी करते थे, मेरी फैमिली में एक मेरे कज़न है, उन्होंने भी एक दफ़ा मुझे मैं उनके घर रहने गया तो उन्होंने मेरा मैगज़ीन के अंदर शूट देखा, तो उन्होंने कहा कि यार ये, उन्होंने मुझे मना नहीं किया, बुरा भला नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे ना किसी एंगल से मना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि दीन पर लाने के लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं और उसके लिए बड़ी हिकमत से चलना पड़ता है, एक प्यार से, अच्छे अखलाक से। वो मुझे उन लोगों में मिला, तो वहाँ तबलीगी जमात वाले मिले, और आपको पता है कि वो फिर उनका ऐसा मिजाज होता है कि वो
बड़ा खूबसूरत अंदाज होता है किसी को अपने करीब करने का। तो उसके अंदर वो सारी रात वो लड़का आकर मुझे दीन की दावत देता था, और भी मेरे साथ बहुत सारे नौजवान थे, तो उसमें वो आके दावत देता था। उसकी एफर्ट थी कि वो पूरे 10 दिन उसने एफर्ट की, और उसके बाद उसने कहा कि आप मेरे साथ 3 दिन के लिए एक जगह पे जाओ। तो मैंने पूछा, इतना डिटेल तो उससे मैंने नहीं पूछा कि भाई 3 दिन के लिए कहाँ जाना है, क्या होगा, लेकिन उसको मैंने इतना पूछा कि 3 दिन हम कहाँ रहेंगे। तो उसने कहा कि यार मस्जिद में ही रहेंगे, लेकिन ये कि वहाँ पर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनेंगे, और इसी तरह जैसे यहाँ तुम्हें सुकून मिला वहाँ भी मिलेगा। तो वहाँ हम चले गए। तो जब वहाँ पर गए तो मैं उसको देखता था कि वो अक्सर रात को दुआएं करता था, नफल पढ़ता था और रोता था। तो मैंने उससे बाद में पूछा जब, तो उसने मुझे बताया कि ये जो नवाफिल में अदा करता था और ये जो मैं रोता था, ये सिर्फ तुम्हारे लिए रोता था, क्योंकि मुझे दिल से था कि तुम दीन पे चलो, अगर तुम दीन पे चल सकते हो तो कितना काम कर सकते हो दीन पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी एफर्ट थी, उसकी मेहनत थी कि मैं मस्जिद तक आ गया, और मस्जिद के माहौल में जब आया तो उसके अंदर एक अजीब सा सुकून मिला जो कि मुझे पहले कभी हासिल नहीं हुआ था। हमने पीसी के अंदर परफॉर्म भी किया, और सारा सारा दिन पीसी के होटल के अंदर हम आराम भी करते थे, आसाइशें भी मिलती थी, रॉयल पाम के अंदर भी हम परफॉर्म करते थे, वहाँ भी आसाइशें मिलती थी, हर किस्म की सहूलत मौजूद थी, लेकिन जो सुकून नहीं था, सिर्फ वाहिद वो चीज़ थी जो सुकून नहीं था। तो मस्जिद के अंदर जो एक सुकून मिला, और एक बॉडी के अंदर एक अजीब सा निखार था और एक फ्रेशनेस थी, वो 3 दिन जो मेरी ज़िंदगी के थे वो बेहतरीन दिन थे। कि घर में बेड भी था बेहतरीन, वहाँ नींद सही तरह नहीं आती थी, लेकिन जब मस्जिद की चटाइयों पर और मस्जिद की जो दरियाँ हैं उसके ऊपर सोते थे तो ऐसी नींद आती थी कि सारा दिन काम करने के बाद भी इंसान को वो नींद नहीं आ सकती। तो वहाँ पर जब सुकून मिला और सारा सारा दिन आंखें रोती रहती थी, खुद एक तो होता है कि जैसे इंसान खुद अपने ऊपर कैफियत तारी करे, लेकिन मैंने जो फील किया वो उस वक्त, सिर्फ वो लम्हात मुझे याद है कि मैंने एक वक्त आया कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और सलाम फेरा और अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह मैं तेरे रास्ते में आया हूँ, और मुझे अगर तूने हदायत ना दी तो कल को क़यामत के रोज़ तू मुझसे मुतालबा कर नहीं सकता क्योंकि मैं तेरे रास्ते में आया। तो ये समथिंग इस तरह की दुआएं मैंने की। और आपको पता है कि जब इंसान दीन की तरफ माइल हो रहा होता है तो शैतान बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो अपना दबाव डालता है। तो बहुत सारे ऐसे दबाव उसने डाले, और कुछ दीन पे चल के हालात भी आए। तो शुरू एक साल में तो इतने हालात नहीं आए, फिर मुझे जॉब मिल गई, और पहले मैं कुछ ज़्यादा कमाता था, लेकिन उसके बाद मुझे 10,000 की सैलरी पे जॉब मिली। सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने तकरीबन 1.5-2 साल वहाँ पर जॉब की, सॉफ्टवेयर का काम सारा सीखा, और उसके साथ साथ फिर इस्लामिक चैनल पे होस्ट भी किया। और उसके बाद जो है वो फिर एक साल के बाद मेरे ऊपर फाइनेंशियल हालात आए, उन वो हालात अल्लाह की तरफ तवज्जो और मुतवज्जो होने के थे। उसके उसमें उलमा की सपोर्ट काफ़ी मिली, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ मुलाकातें होती रहीं, और उनकी नसीहतें और उनके बयानात से बहुत हमारी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी पे असर था, जिसकी बुनियाद पे मैं इस काम पे जमा रहा और मैंने दाढ़ी की नियत कर ली। जब दाढ़ी की नियत की तो वो सुकून मिला जो सारी ज़िंदगी नहीं मिला। तो चूँकि एक लाइफ शुरू हो चुकी हुई थी सुकून वाली, तो हर बढ़ता हुआ कदम जो था वो एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लेके जा रहा था। मैंने अपना आगाज़ कर लिया और उसके बाद नियत कर ली कि अब दाढ़ी नहीं कटेगी और ये सुन्नत जो है ये नहीं उतरेगी। ये चीज़ें मैंने उस टाइम उस इसलिए इख्तियार की थी कि मेरे गुनाहों के काम में ये आड़े आ जाएं, क्योंकि आपको पता है जो दाढ़ी है वो एक धार है तलवार की, जो तलवार है जो एक बीच में आ जाती है उसके गुनाहों के दरमियान में, एक शर्म उसको दिलाती है। तो उसको इस नियत से अपनाया, लेकिन आगे इन चीज़ों से बहुत मदद मिली, और अब जो है वो दीन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बिजनेस के हवाले से हमें बताएं, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, अब आप क्या बिजनेस करते हैं? ये जो मेरा इस टाइम अपना ऑनलाइन ब्रांड है उस्मान बेग फ्रेग्रेंस के नाम से, और मैंने ऑनलाइन शुरू किया एक खुशबू की बोतल से, और एक दफ़ा मैंने लगाई भी थी तो मेरे से किसी ने पूछा तो मैंने उनको बताया, फिर इसी तरह मुझे एक ऑर्डर आया, दो आया, तीन आए, तो इस तरह करते करते आज 4-5 साल हो गए हैं, तकरीबन 5 साल हो गए मेरे इस बिज़नेस को। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में जो हमारी ये प्रोडक्ट है वो जा रही है, और मोस्टली अदर कंट्रीज से हम ये इंपोर्ट करते हैं, इंडिया, मलेशिया,
कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा, ईरान और तुर्की, इटली, ये सब मुमालिक हैं जहाँ से हम फ्रेगरेंस को इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा लेडीज़ क्लोथिंग में हम काम कर रहे हैं, लेडीज़ अबाया, ज्वेलरी और हनी और ट्रेडिशनल सी कैप्स हैं यंगस्टर्स के लिए। चूंकि मेरी अपनी तबीयत में था कि अच्छी कैप्स पहनी जाएँ, डिसेंट कैप पहनी जाएँ, तो यंगस्टर्स के लिए हमने कुछ ऐसी कैप्स डिज़ाइन की हैं जो कि अक्सर आपको पता है रमज़ान के अंदर ऑफिसेज़ के अंदर लोग वेयर करना चाहते हैं तो उनको चूंकि मिलती नहीं है, तो जो सारी सिलाइयाँ थी पिछली ज़िंदगी में लगाई जा रही थी वो मैंने सारी सिलाइयाँ अब अपने इस ब्रांड में लगाई हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छा गुजारा हो रहा है। आप हमारी यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आज जब रात है उस हवाले से भी, और ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? शब रात के हवाले से तो मैं ये मैसेज दूंगा कि देखें इसके अंदर ख़ास कोई इबादत की शक्ल नहीं है कि सिर्फ़ आपने सलातो तस्बीह पढ़नी है, मस्जिद में ही जाके पढ़ना है। ख़ास करके जो नवाफिल हैं वो घरों के अंदर ही पढ़े जाएं, सुन्नतें भी घरों के अंदर ही पढ़ी जाएं ताकि घर के अंदर एक माहौल बने दीन का, मस्जिद के अंदर ना जाया जाए बल्कि घर के अंदर जाया जाए, घर के अंदर ये दीन ज़िंदा किया जाए। क्योंकि हमारे दीन का मकसद ये है कि हमारा जो घर है वो मस्जिद नबी की शाख बन जाए, ऐसा घर हो कि मस्जिद नबी की शाख हो। तो नौजवान अपने घरों को इस रोशनी से ज़िंदा करें। और दूसरी बड़ी बात जो मैं यंगस्टर्स को एडवाइस करना चाहूँगा वो ये कि अपने माँ बाप के आगे बिछ जाएं, जैसा वो कहते हैं वैसा करें, थोड़ी उनकी मान लें बाद में थोड़ी अपनी कर लें, लेकिन वक्ती तौर पे उनकी मान के उनको खुश कर दें ताकि आपकी दुनिया भी बने और आखिरत भी बने। जी नाज़रीन, आज हम लोगों ने उस्मान महक साहब से की गुफ्तगू। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुलसुम अजमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।